सचिव कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र विधायक आकाश विजयवर्गीय के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा संसदीय दल की बैठक में कड़ी नाराजगी जताने के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। इस पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तंज कसा। अपने ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मोदी जी ने कल भाजपा संसदीय दल की बैठक में आकाश के इस बयान के खिलाफ नाराजगी प्रकट की और आकाश के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यही नहीं, उन भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने जेल से छूटने के बाद उनका स्वागत किया और हर्ष फायरिंग की। अगर ऐसा होता है तो मोदी जी आपको बधाई, अगर ऐसा नहीं होता तो यही कहेंगे कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे नहीं लगता अमित शाह जी अपने प्रिय मित्र कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को कोई नुकसान देंगे।